और अगर दुर्भाग्यवश गुरु केंद्र में था तो सत्याना लोग बोलेंगे अरे गुरु मंगल केंद्र में ना ये योग वो योग ना अरे कोई योग नहीं बर्बादी होगा ऐसी ना मैं आपको दिखाऊंगा पीवीआर नरसिम्हा राव के चार्ट में वहां में क्लियरली दिखेंगे आप ना ओके तो अभी मैं नेक्स्ट चार्ट में जाता हूँ दिखाइए हाँ तो अभी ये हमारे अंबानी सर का चार्ट तो यहाँ में भी जैसे आप देख सकते कि जैसे ना सूर्य और गुरु और चंद्रमा तो ये तीनों मित्र है जैसे करेक्ट यहाँ पे भी देखिए आप जैसे शनि जो है ना वो फिर भी केंद्र से बाहर है तो शनि ने रुकावट नहीं दिया इनको अब शनि अगर केंद्र में नहीं होता अगर केंद्र के अंदर होता तब क्या होता वो फिर जो शनि टाइप कौन वो जो जिनका वो क्या बोलते फाइनेंशियल स्टेटस जिनका कम है जो आम आदमी ना शनि तो उन्हीं लोगों को दर्शाता ना बिल्कुल जिनका फाइनेंशियल ये कम है तो ये लोग क्योंकि सूर्य केंद्र में है तो तब ये लोग बोलते बोलेंगे कि वो हम आपके उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे अच्छा क्योंकि तब शनि का ऑपोजिशन आ जाता लेकिन अभी क्या है ना केंद्र में शनि नहीं है तो वो काइंड ऑफ उसको अपोज नहीं कर रहा है इनका जो ये है ना जैसे राजयोग है नवमेश लगन में है ना तो बहुत सारे इनके ये सब है योग है तो गुरु भी इनका दसवें में है और जैमिनी से अगर आप देखें तो द्वि स्वभाव राशि एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं तो बिल्कुल करते हैं सूर्य चंद्र गुरु एक दूसरे को राशि दृष्टि से भी एस्पेक्ट कर रहे हैं ना तो ये सारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस चार्ट पे खैर मतलब और बहुत सारी चीज है जिसके वजह से ये धीरूभाई अंबानी है हाँ। वो अलग चीज है बट कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे भी ऐसा कोई अपोजिंग फैक्टर नहीं है ना? और यहाँ में देखिए फिर से मंगल यहाँ बाहर है देख रहे गुरु मंगल यहाँ पे बाहर है अगर मंगल केंद्र में आ जाता तो फिर समस्या खड़ी हो जाती इनके लिए अब गुरु 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 और सूर्य के लिए ऐसा कोई ऑपोजिशन नहीं है यहाँ पे क्योंकि मंगल और जो शनि है वो बाहर और शुक्र भी देखिए वो भी बाहर है शुक्र और गुरु ये एक दूसरा ऑपोजिशन है ना एक बोलेगा आध्यात्म की तरफ जाओ एक बोलेगा अरे ना फोटो खींचो तो यहाँ में देख रहा शुक्र भी केंद्र से बाहर है तो उसके वजह से भी इनको ऐसा कोई ऑपोजिशन नहीं है शुक्र केंद्र में होता तो आदमी बोले अरे आराम आराम से काम करो थोड़ा भोग विलास करो मजे करो थोड़े लेकिन अभी ये नहीं पूरा टोटल फोकस है इनका ना तो उस वजह से भी मतलब काफी हार्मोनियस है ये चार्ट तो आप ये कह रहे हैं ना मैं अगर मैं बात पूरी करूं या आपने जो कहा मैं जो समझा कि इस कुंडली में धनु लगन में सूर्य लगन में पंचम नवम का स्वामी होकर है फायरी साइन का लॉर्ड फायरी में बैठा है तो उसकी उसकी स्ट्रेंथ पर तो क्वेश्चन है ही नहीं कि वो स्ट्रांग है अब उसको लेकिन काउंटर करने वाला प्लैनेट शनि हो सकता था जो केंद्र में नहीं है इस वजह से सूर्य की पावर मेंटेन रही उसकी सत्ता को किसी ने चैलेंज नहीं किया बहुत सही आप कौन चैलेंज करता वो जो शनि टाइप के जो लोग है ना जो हाँ, उन्होंने चैलेंज नहीं किया बिल्कुल बिल्कुल फलित के समय हम ये देखेंगे कि वो ग्रह कौन है या वो स्वभाव क्या है जो उनको दिक्कत दे सके हाँ, फिर हाँ, अच्छा यहाँ पर मंगल सूर्य से ट्राइन में है हाँ, तो ये उसको सपोर्ट करेगा जैसे आपने पहले कहा कि त्रिकोण में जो होगा वो उसको सपोर्ट करेगा और गुरु सूर्य क्या यहाँ पे वैसे तो गुरु की उतनी ताकत नहीं है जो इस कुंडली में सूर्य को एक तरह से कहो कि कंट्रोल करे या उसको उससे इतना स्ट्रांग नहीं है कंपैरेटिवली अगर सूर्य से हम उसको कंपेयर करें हाँ हाँ राशि वाइज करेक्ट करेक्ट हाँ, हाँ. और तो फिर उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपने ऐसे कहा कि ये दोनों फिर भी एक दूसरे के स्वभाव के खिलाफ नहीं है इस वजह से ये हाँ ये दोनों तो नहीं ये दोनों तो काइंड ऑफ एक ही जैसे है ना इनको हाँ. राज कोष ना बड़ा कुछ करना है सूर्य और गुरु मतलब बड़ा करना है ना बिग ठीक है इसीलिए इनका देखिएगा ना जो भी किया है इनका बड़े स्तर पे करेंगे और इनका में वो है देखिए अब लग्नेश जो है इनका दस दस दसवें घर में है तो उसको क्या बोलते हैं लग्न लॉर्ड इन टेंथ इसको सिद्ध योगा बोलते हैं करेक्ट सिद्ध योगा का अर्थ है कि आदमी जो भी करेगा ना उसपे एक नंबर होगा वो क्योंकि इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ
दसवें घर में जो ग्रह है ना वो आपका बाप होता है हिंदी में बोले तो, या इंग्लिश में बोले तो बॉस, ठीक है। तो दसवें घर में जो है उसका बात आपको सुनना पड़ेगा। और जब लग्नेश दसवें में होता है तो इसका क्या मतलब है? आप खुद के ही बॉस हो, मतलब आप एक ही इंसान का सुनते हो, किन का? बिल्कुल अपने आप का ही सुनते हो बस। तो इसके वजह से भी, और नवमेश जो है और इनका मैं वो भी देख सकते हैं ना, लग्नेश नवमेश का वो दैट जैमिनी एस्पेक्ट इज आल्सो देयर, वो भी बहुत शक्तिशाली है। तो खैर बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पे मैं वही दिखाना चाहता था कि गुरु का को जो काटने वाला ग्रह मंगल वो नहीं है, और सूर्य को जो काटता है शनि वो भी नहीं है केंद्र में, तो ये भी काइंड ऑफ अ रॉयल रोड है। तो अभी नेक्स्ट चार्ट पे मैं जाऊंगा। हाँ ये अमिताभ बच्चन का चार्ट है, सब जानते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें भी इनका जो इनका जितना मेजोरिटी राइज हुआ था कब हुआ था? शनि महादशा में, बिल्कुल शनि महादशा में 19 साल में उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो यहाँ में देखिए इनका जो लग्नेश है वो फिर से चतुर्थ में गया है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन फिर से देखिए आप, मंगल फिर से बाहर है केंद्र से। तो अब अगर ये आदमी आपके पास आता लाइफ में, सपोज आप इनको जानते नहीं और ये आदमी आपके लाइफ में आता, ठीक है, तो ये पूछता कि मुझे एक चीज बताओ कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप उसको सिंपली ये बता सकते थे कि शनि के राह पे चलो, जो क्या है, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, टेनेसिटी, वो सारी जो 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 चीजें बहुत मुश्किल से आती है ना, हार्ड वर्क से आती है। और इसलिए अमिताभ बच्चन का जो इमेज है, जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको ना, व्यक्तित्व है, वो उसके उसी के वजह से जाने जाते हैं ना, कहते हैं ना एंग्री यंग मैन ना, तो वो शनि का जो टिपिकल ट्रेट है ना, बहुत सीरियस एकदम ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन अगर यहाँ पे और जब देखिए, जब शनि का महादशा शुरू हुआ तो आप अगर शनि को लगन बनाएंगे यहाँ, तो देखिए ये सूर्य मंगल सब उनके त्रिकोण में चले गए, पंचम में आ जाएंगे। हाँ तो देखिए अब ये लोग बोल रहे हैं कि मैं इनको हेल्प करूंगा, लेकिन लगन से क्योंकि अष्टम में है तो उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी हुए हैं, उनका वो जो कंपनी उन्होंने खोला वो भी, उसमें भी कुछ समस्याएं आई, उनका जानलेवा वो एक्सीडेंट भी हुआ था, वो होगा क्योंकि वो लगन, लगन तो आपका शरीर है ना, लगन से तो ये लोग अष्टम में ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब शनि काम करना शुरू करेगा ना तो इनको कोई रोक नहीं सकता। जब ये एक बार ठान लेंगे कि मैं अब दिन में 12 घंटा काम करूंगा, तब हो गया इनका। इनको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अब साइन वाइज भी काफी अच्छा है ना, नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, टॉरस में जिसमें है, वृषभ में, और मित्र राशि भी है, तो बहुत सही है ये, मतलब इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो यहाँ पर कोई केंद्र में है नहीं जो शनि को चैलेंज कर सके। हाँ मंगल नहीं है, और गुरु होता तो भी गुरु शनि को उतना अपोज नहीं करता है, नहीं। पर मंगल के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मंगल या सूर्य होता तो है ना। हाँ सूर्य होता तब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता। ठीक ठीक। तो इसके बाद मैं ये है अटल बिहारी वाजपेयी का चार्ट। इसमें भी देखिए एक ही चीज। ये सशम महापुरुष योग बना रहा है, और इसीलिए इनका जो ये क्या कहते हैं ना, इनकी जो राइज हुई जिंदगी में बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हुआ इनका ना, तो ये हम देख सकते हैं। खैर वो तो है ही इनका ना, जैसे दूसरे घर में इनका चंद्र है, शुक्र है, तो ये कवि का भी योग दर्शाता ना, ये तो वो सब तो है, लेकिन वो इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको अगर प्राइम मिनिस्टर बना, और खैर ये तो तुला लगन का कुंडली है तो शनि योग कारक भी है, तो चतुर्थेश जो है वो भी लगन में, तो ये दर्शाता कि पब्लिक का सपोर्ट रहेगा। पंचमेश जो राजा सत्ता का स्थान होता है ना, पंचम भाव, तो वो भी केंद्र में है, ऊपर से लगन में उच्च का बैठा है, तो इसके वजह से ये जब शनि के राह पे चलेंगे डिसिप्लिन मैनर में, तो भी इनको कोई नहीं रोक सकता है।
तो बहुत सही है ये, और इसमें भी देखो कोई ऐसा ऑपोजिशन है ना, और ये तो बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का जो महापुरुष योग वो है ना, बिल्कुल क्योंकि ये तो, ना तो ये मकर राशि वाला योग है ना तो कुंभ वाला है, ये तो तुला वाला है, उच्च हाँ, वाला उच्च योग ना, वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है ये। तो ये अटल जी का चार्ट है, उसके बाद मैं जाऊंगा महात्मा गांधी का चार्ट। तो इसमें देखिए यहाँ में ना थोड़ा डिफिकल्टी है। यहाँ में देखिए आप, यहाँ में देखिए गुरु और जो मंगल है वो ना ऑपोजिशन में है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ में देखिए शनि फिर से बाहर है, ठीक है, हाँ शनि शनि जो है वो मंगल को काट नहीं रहा है, रोक नहीं रहा है, लेकिन गुरु फिर भी कोशिश कर रहा है। तो ये उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ भी, मैं क्या करूं, मैं अहिंसा करूं कि मैं मारूं कि क्या करूं। तो लेकिन उनको एक डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अहिंसा के पथ पे चलूंगा, तो मतलब उनको भी ये एरिया में काइंड ऑफ एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि उनके पास दो बहुत बड़े रास्ते थे, देख रहे हो, एक वो मंगल वाला कि ना मैं मारूंगा पीटूंगा ना वायलेंस करूंगा, और एक दूसरा वाला गुरु वाला कि मैं अहिंसा करूंगा। लेकिन यहाँ में ना आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो मंगल है ना वो स्त्री राशि में है, ये वो सॉरी शुक्र की राशि में है ना, हाँ अगर ये मंगल होता भी लेकिन थोड़ा वो तुला राशि के वो ट्रेट्स आ जाते हैं उसमें, और उल्टा आप गुरु को देखिए वो मेष राशि में है, देख रहा है, इसके वजह से वो डायनेमिक्स इनके लाइफ में है कि ओ मैं अगर अहिंसा भी करूंगा ना तो इनको निकाल के फेंकूंगा यहाँ से मैं। क्योंकि अहिंसा जो है वो गुरु का पथ है ना, वो तो मंगल का पथ नहीं है। और बिल्कुल अभी यहाँ में देखिए आप, गुरु ज्यादा ताकतवर है साइन वाइज, देख रहे हैं, इसके वजह से वो मंगल को छोड़ के गुरु के पास आए, वरना अगर मंगल किसी और साइन में होता और गुरु मान लो मकर राशि में होता, ऐसा कुछ होता, तो ये बोलते कि अरे बहुत हो गया, हाँ बिल्कुल। अभी चालू करो मारपीट ना। नहीं, हिंदी में जो इन्होंने वो क्या कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कहते हैं ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अवज्ञा का तो अर्थ ही ये होता है कि दूसरे की बात नहीं मानना, जो मंगल का ट्रेट है, और लेकिन बिल्कुल हाँ विनय के साथ ये करना है, जैसे उन्होंने कहा, तो वो गुरु वाला ट्रेट भी आ गया कि हाँ मेष राशि में है। अच्छा, मेरा बाबा जी, यहाँ एक सवाल था कि इस कुंडली हाँ में अगर हम केंद्र में सबसे बली ग्रह ढूंढने की कोशिश करें, तो हाँ या तो हमें तुला का शुक्र लगता है या लगन में बैठा दिग्बली बुध दिखता है। हाँ हमने इसका डिस्कशन ना करके हम गुरु मंगल पर आए, या तो क्योंकि वो जो है ना एक ओपोजिंग फैक्टर है, इसीलिए हमारा अच्छा, फोकस वो है, ठीक है समझ ठीक रहे। अब यहाँ में जो शुक्र जो ये राजयोग दे रहा है हाँ ना, सॉरी वो महापुरुष योग जो दे रहा है, उसके अलग अलग मतलब भी होते हैं, बिल्कुल। जैसे कि आदमी को लोग बहुत पसंद करेंगे। वो एक होता है, और यहाँ पे बुध जो है वो भी नवम भाव का स्वामी है, वो द्वादशेश भी है, मतलब क्या है उनका जो प्राइमरी मेन जो स्टार्ट कर्मा वहीं है से लाइफ हुआ में, था। हाँ वो फॉरेन से रिलेटेड होगा, और नवा घर जो है ना वो क्या दर्शाता है ना, नियम कानून जो है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो वो होगा, और क्योंकि शुक्र और बुध साथ में है तो इनको 24 घंटा लोगों से घिरे हुए रहेंगे वो। और लोग इनको बहुत पसंद करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल और क्योंकि अष्टमेश भी है शुक्र, तो उनका जो एंड हुआ वो भी थोड़ा मतलब वहां हाँ। पे भी ये काइंड ऑफ रोल प्ले कर रहा है, हम देख सकते हैं जी। तो उस एंगल से। लेकिन ये जो है ना ये ओपोजिंग फैक्टर में नहीं है, तो हमारा फोकस है ओपोजिशन को देखना, तो इसीलिए हम गुरु मंगल पर फोकस करें। और इनफैक्ट अगर आप ऑनेस्टली देखें तो यही इनके लाइफ का सबसे बड़ा ये था ना, अहिंसा हो गया फिर डिसोबीडियंस ना, हाँ जैसा हाँ हाँ अब कहने की बात है कि शुक्र जो है बहुत ताकतवर है, यहाँ बुध दिग्बल है, लेकिन वो ट्रेड्स भी रहे हैं और उनमें ऑपोजिशन नहीं आया, देख रहे हैं आप, जैसे ब्रिटिश वगैरह हुआ ऐसा तो नहीं था ना कि वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है कि कोई लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ, वो यूनिडायरेक्शनल है जो बुध दिखाता है, 9th लॉर्ड 12th लॉर्ड, समझ है ना, तो उस एरिया में उनको दिक्कत नहीं हुआ, तो उनका फोकस वहां में था कि नहीं हमें ब्रिटिशर्स से ही लड़ना है क्योंकि बुध को कोई ऑपोजिशन नहीं है।
और यहाँ में शनि भी नहीं है ना, तो उसके वजह से शुक्र भी यहाँ क्वाइट ही आल्सो वेल प्लेस्ड हियर। और बाकी तो खैर वही है, गुरु जो है इनका मेष में है, तो यू वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका बहुत शक्तिशाली था जो ये उनका जो संकल्प था ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम भगा के रखेंगे इनको। और इनके वजह से ना कितने देशों को वो मिला ना, जो इंडिपेंडेंस बोलते स्वतंत्रता, जिन्होंने फॉलो किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो अभी मैं जाऊंगा ये अमिताभ बच्चन के जो फादर है, अच्छा हरिवंश राय बच्चन जो, तो ये तो सब जानते ही है, कवि रहे बहुत बड़े प्रसिद्ध। तो यहाँ में भी देखिए एक ही चीज हो रहा है फिर से। गुरु को अपोस करने वाला कोई है नहीं, ठीक है। अब गुरु को कौन अपोस करेगा, मंगल अपोस करेगा, बाहर है तो उसके उसके वजह से वो केंद्र से बाहर है और शनि भी बाहर है, तो उसके वजह से कोई अपोजिशन है नहीं। और गुरु यहाँ उच्च का है बिल्कुल, और चंद्रमा के साथ बैठा है, तो बहुत ही शक्तिशाली है ये, एक्सीलेंट, बहुत बहुत उच्च कोटि का योग है ये, मतलब हंस योग, वो भी दसवें घर में। और अभी गुरु जो है वो तो है, लेकिन यहाँ में देखिए बुध भी दिग्बली है, ठीक है। तो अभी यहाँ में क्या है ना, जब ऐसी चीजें होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये भी एक डायरेक्शन में जाए, ऐसा भी हो सकता है, दोनों मिलकर जो जो कॉमन डायरेक्शन दोनों की है वहां जाए। हाँ, क्योंकि मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे जो जुपिटर वीनस केंद्र में ना, वहां में ऑपोजिशन नहीं हो रहा, मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे भी हो रहा है। जी 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 समझ आया ना, तो इसलिए मैंने सारे तरह के चार्ट्स लेके रखे हैं मैंने। तो यहाँ में जैसा गुरु और बुध जो है उनमें ऑपोजिशन आ सकता था, किस टाइप का ऑपोजिशन आ सकता था कि मैं पैसे के पीछे भागू जो बुध दर्शाता है, या गुरु बोलता है कि मैं आध्यात्म के पीछे भागू, ठीक है। शुक्र होता तो भोग विलास होता, बुध होता तो पैसा होगा, समझ आया ना। लेकिन यहाँ गुरु तो दोनों के ऑपोजिट्स हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ज्ञान। यहाँ में और चंद्रमा जो क्या है ना, वो हमारे मन को दर्शाता है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो मतलब चंद्र गुरु और ये बुध, तो ये दिखाता है कि आदमी का जो इमेजिनेशन पावर है बहुत ताकतवर है वो। और जैसा अभी हाल ही में जेम्स ब्राहा मेरे चैनल पे आए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि द्वितीय घर जो होता है सेकंड हाउस, वो इमेजिनेशन का होता है, तो यहाँ में देखिए वहां पे भी शुक्र बैठा है। और जैसा राशि कौन सा है ना, वो राशि है आपका ये स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, तो उसके वजह से स्कॉर्पियो क्या दर्शाता है, वृश्चिक, जो चीजें कोई नहीं सोच सकता ना, मतलब एकदम अंदर जाना, दिल को छू जाना, उस टाइप की चीजें, तो ये बहुत अच्छे से इनके इसमें एक्ट हो रहा है जी जी। और अभी बाकी तो क्या बोलूं मैं, शुक्र और सूर्य जो इनको सपोर्ट कर रहा है ट्राइन्स में गुरु को ना, और तो उस वजह से भी ये काफी हार्मोनियस है चार्ट जी जी जी। बाद में आ गया।